हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्वी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई हाई। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ए एन और दा जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उनका यूज़ हम कैसे और कहाँ पे करते हैं। तो वो हमारे वॉवल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। इसके आगे हम क्या लगाते हैं, हमने बेसिकली सीखा है कि एन लगाते हैं। जहाँ पे स्टार्टिंग में ए ई आई ओ या यू आता है तो उसके पहले हमने सीखा है कि क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स ले लेते हैं और इनके आगे हम लगा के देखते हैं हमारा कौन सा आर्टिकल लग रहा है। तो ये क्या है, टेबल, टॉय, डॉल, तो ये सब के आगे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे ए लगा सकते हैं। अ टेबल, अ टॉय, अ डॉल, अ बियर, अ स्टूडेंट, अ टीचर, हम ए लगा सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे यू यू है, इसके आगे हम एन लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसके आगे हम एन लगा सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसके आगे हम एन नहीं लगा सकते। हमने क्या बेसिकली पढ़ा है कि यू अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो उठा के हम एन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम जो मेन कॉन्सेप्ट होता है इसका, तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर हमारा जो वॉवल का साउंड है, अगर हमारे किसी वर्ड के स्टार्टिंग का जो वर्ड है, पहला वर्ड जो होता है उसमें अगर वॉवल का साउंड आता है तब हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अगर हमारा व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं या दा लगाते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं। जैसे ये क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ेंगे हम यूनिवर्सिटी, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, या आ रहा है, या वर्ड आ रहा है। तो या हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, आ यूनिवर्सिटी। दूसरा हमारा है यूनिटी, यूनिटी भी वही है, हमारा क्या आ रहा है, या आ रहा है पढ़ने में, तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, द यूजेज, यूजेज में भी हमारा स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, या, तो हम यहाँ पे भी ए लगाएंगे। यूनिक में भी या आ रहा है, हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, ए ही लगा देंगे। और उसके बाद अगर हम ये देखें, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को हम जब प्रोनंसिएशन कर रहे हैं अम्ब्रेला का, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आ का स्वर आ रहा है। आ मतलब बोलने पे क्या आ रहा है, वॉवेल साउंड कर रहा है, यानी आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अम्ब्रेला हो जाएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एन आ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए इसे आंटी लिखा हुआ है, तो आंटी के आगे भी हम क्या लगा देंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, एन आंटी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, साउंड जो है हमारा वॉवल का आ रहा है, कॉन्सोनेंट का नहीं। यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा था, अम्ब्रेला में आ रहा था। तो ये जो साउंड पे डिपेंड करता है, मेन कॉन्सेप्ट हमारा होता है साउंड का। अगर हमारे यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा था साउंड, तो हम क्या लगा रहे थे, ए लगा रहे थे। और जब हम यहाँ पे वॉवल साउंड आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे, वहाँ पे एन लगा देंगे। अब हम कुछ फिलअप्स ले लेते हैं, देखते हैं कि इसमें ए आएगा या एन आएगा। ठीक है, तो शी इज डैश अननोन गर्ल, अननोन को अगर हम देखें किसके पहले लगना है, ए या एन, इसके पहले लगना है। तो हम क्या देखेंगे, पहले इसका पहला वर्ड देखेंगे और इसको प्रोनाउंस करके देखेंगे। अननोन मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, आ, तो आ क्या है, हमारा वॉवल साउंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, शी इज एन अननोन गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ही इज डैश एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड में भी क्या आ रहा है, एजुकेटेड में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या साउंड कर रहा है, हमारा वॉवल साउंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज डैश यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में हमारा क्या आ रहा है, या आ रहा है। ठीक है, या आ रहा है, तो हमारा यहाँ कॉन्सोनेंट आ गया, तो क्या है, कॉन्सोनेंट जब साउंड कर रहा है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, तो इट इज अ यूनिफॉर्म। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, ही इज MBBS। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे तो M है, तो हम क्या MBBS, M, A बोल रहे हैं, तो क्या आ रहा है, प्रोनाउंस करने पे A आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा साउंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। ये नहीं होता है कि यहाँ पे M है तो हम उठा के दा या A कुछ लगा देंगे, यहाँ पे क्या है, A आ रहा है प्रोनाउंस करने पे, वॉवल साउंड कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, N लगाएंगे। तो ही इज एन MBBS, ठीक है, N हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, यू आर नॉट डैश अगली गर्ल, तो क्या आ जाएगा, ए आएगा या एन आएगा। अगली हम देखें, अगली यानी आ रहा है, आ
साउंड कर रहा है, वोवेल साउंड कर रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे. तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट एन अगली गर्ल. तो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था ए और एन को यूज करने का, वो आज हमने सीख लिया है कि जहाँ पे हमारा वोवेल साउंड करेगा वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे. जहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट साउंड करेगा वहाँ पे हम अपना क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे. नेक्स्ट हमारा दा है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम कहाँ पे दा का यूज करते हैं, कहाँ पे दा का नहीं यूज करते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही, ए और एन का कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दा का कॉन्सेप्ट.